जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच होने वाला है पहला मुकाबला आईपीएल 2021 का। बता दें दोस्तों, आईपीएल 2021 के शेड्यूल की लिस्ट जारी कर दी गई है कि कब किस टीम का मुकाबला किस टीम के साथ किस जगह और कितने समय पर होगा। आपको दे दें पूरी जानकारी दोस्तों, तो कि पहला मुकाबला 9 अप्रैल से शुरू होगा और ये टूर्नामेंट 30 मई तक होगा, जहां पर इसका फाइनल मैच 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बताएं दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के भारत में आयोजित होने की खबर की पुष्टि कर दी है। यानी कि फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जहां पिछले साल यूएई के मैदानों पर मुकाबले कराए गए थे आईपीएल के, तो वहीं अब इस साल होने हैं भारत देश के मैदानों पर। लेकिन देखना यह दिलचस्प रहेगा कि कोविड-19 का खतरा कहीं ना मंडरा है, क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ी रहते हैं, ऐसे में मैनेजमेंट टीम की काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन इन सभी को चुनौतियों का सामना करते हुए टीम ने यह कठिन फैसला लिया है कि वो इस साल आईपीएल भारत देश में ही करा के रहेंगे। इसी के साथ पहला मुकाबला इंडियन टीम के हालिया कप्तान और उपकप्तान के साथ, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच होगा। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर मुंबई इंडियन टीम आमने सामने होगी चेन्नई के मैदान पर। आपको बता दें दोस्तों, जो जगह सामने आई है जहां पर मुकाबले खेले जाने हैं 14वें सीजन के, वो हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ये वेन्यू है जो आयोजित किए जाएंगे इन्हीं मैदानों में मुकाबले। आपको बता दें दोस्तों और जानकारी कि सभी 8 टीम अपने लीग स्टेज मैच 4 वेन्यू पर खेलेंगी। 56 लीग मैचों में से 40 मैच एक वेन्यू पर, यानी कि 10 मैचेस होंगे, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर में ही खेले जाएंगे, जबकि अहमदाबाद और दिल्ली में 8-8 मैचेस होंगे। 14वें आईपीएल सीजन की सबसे खास बात यह होगी कि कोई भी टीम घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा नहीं उठा सकेगी, क्योंकि सभी टीम कुल 6 में से 4 वेन्यू पर अपने लीग मैचेस खेलेंगी। 14वें आईपीएल सीजन का डबल हेडर मुकाबले होंगे, वो होंगे टोटल 11, यानी कि जो डे और नाइट मुकाबले गिने जाते हैं, वैसे तो देखा जाता था पहले वीकेंड, लेकिन अब 11 मुकाबले होने हैं टोटल। में होने वाले मैचेस 3:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि शाम के मुकाबले 7:30 बजे से खेले जाएंगे। इस सीजन के साथ आईपीएल टूर्नामेंट 2 साल के बाद भारत में वापसी करेगा, चूँकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से 13वें सीजन का आयोजन यूएई में किया गया था। तो सबसे दिलचस्प बात दोस्तों यही है कि इस बार आईपीएल के मुकाबले कोई भी टीम, यानी कि जैसे कि दोस्तों दिल्ली हो गई, दिल्ली अपने ही घरेलू मैदानों पर ज़्यादा खेलती हुई नज़र नहीं आने वाली है। अब घरेलू स्टेडियम में मैचेस नहीं खेलेगी, जहां सभी टीमें डबल हेडर मुकाबले के भी तैयार रहना पड़ेगा, तो ऐसे में काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीम का सिलेक्शन होता है दोस्तों, आप भी देखते होंगे कि कोई ज़्यादा स्पिनर पर दाव लगाता है, कोई तेज़ गेंदबाजों पर दाव लगाता है, तो वो इसी बात को देख कर दाव लगाते हैं कि उनके घरेलू मैदानों की पिच स्पिनर के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, तेज़ गेंदबाजों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, या तेज़ गति से बल्लेबाज करने के लिए जानी रहेगी, या फिर धीमी गति से बल्लेबाजों के लिए अच्छी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीम दाव लगाती है ऑक्शन में बड़े बड़े प्लेयर्स पे। तो ऐसे में क्या पिछली बार जैसे यूएई में हाल हो गया था कि चेन्नई की टीम जब यूएई गई थी, तो वहां पर उनका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि सुरेश रैना, हरभजन सिंह और कई खिलाड़ियों ने साथ छोड़ दिया था, और जो यूएई की पिच थी वो चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजों के लिए इतनी अनुकूल साबित नहीं हुई थी, इसी वजह से सीजन का अंत उन्हें 7वीं पोजीशन पर करना पड़ गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी दे दें शेड्यूल के बारे में कुछ और, तो आईपीएल में चेन्नई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सही हैं। बता दें दोस्तों किस प्रकार से, सबसे पहला मुकाबला जहां मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को होगा, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस का इंतजार भी खत्म होगा 10 अप्रैल को, यानी कि अगले ही दिन शाम 7:30 बजे मुंबई के मैदान पर खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच महामुकाबला। शुरुआत होने वाली है दोस्तों कोहली वर्सेस रोहित के बीच, तो ये मुकाबला भी अपने आप में ही दिलचस्प रहेगा कि जहां पर एक तरफ सबसे एक्सपीरियंस कप्तान रहेंगे आईपीएल के और सबसे युवा कप्तान रहेंगे जो सुरेश अय्यर हैं, धोनी और सुरेश अय्यर के बीच। और तीसरा मुकाबला दोस्तों 11 अप्रैल 2021 शाम 7:30 बजे चेन्नई के मैदान से आप सभी के लिए लाइव आएगा, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच होगा ये मुकाबला। और 12 अप्रैल को खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स, जो कि इस साल किंग्स इलेवन पंजाब से नाम बदल के पंजाब किंग्स हो गई है उन टीमों के बीच। तो ये है दोस्तों शुरुआती मैचेस के बारे में जो आपकी मनपसंदीदा टीम है। ऐसे में इस बार आप किस टीम को फॉलो कर रहे हैं, किस टीम के फैन हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीम को फॉलो करते हैं जिसमें धोनी या फिर कोहली या फिर रोहित रहते हैं, लेकिन इस बार क्या है इरादा आप सभी का कॉमेंट करके बताइएगा। और कितने एक्साइटेड है आईपीएल सीज़न 14वें के लिए 2021 का जो होना है, क्योंकि दोस्तों सभी क्रिकेट फैंस यही कह रहे होंगे जो थोड़ा बहुत अनजान रहते हैं क्रिकेट जगत से कि अभी तो हुआ था आईपीएल, इतनी जल्दी एक और बार फिर। तो दोस्तों यही इस खूबी है, यही इंडिया का त्यौहार है, क्योंकि ये पिछले साल हमने देखा कोविड-19 की वजह से डेट बार बार चेंज की गई, जहाँ पर करते कराते मैच को
साल के अंत में कराया गया, उसको पॉसिबल कराया गया यूएई के मैदानों पर, लेकिन इस बार इंडिया के मैदानों पर ही हो रहा है। सबसे खास बात यही है। तो कितना एक्साइटेड है दोस्तों, कमेंट करना नहीं भूलेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।